सो हे गाइस, क्या हालचाल, कैसे हो आप सभी लोग, मेरे को नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो गाइस सबसे पहले न्यूज के बारे में बात करते हैं, बट उससे पहले आप लोगों से ये बोलना चाहूंगा कि गाइस आप लोग मेरी वीडियोस देखते हो, आप पसंद भी करते हो, लाइक भी करते हो, बट आप सब्सक्राइब नहीं करते हो मेरा चैनल। तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन जरूर दबा देना। अगर गाइस आप सब्सक्राइब करते हो मेरा चैनल तो आप लोगों को पता चलेगा कि पूरे यूट्यूब जर्नी में, यूट्यूब पे, पूरे इंटरनेट पे क्या चल रहा है, क्या लोग क्या कर रहे हैं, क्या एक्टर्स लोग कर रहे हैं, क्या बॉलीवुड सेलिब्रिटीज कर रहे हैं, सब मैं आप लोगों को न्यूज दूंगा। पर डे एक वीडियो लेकर आता हूँ, गाइस बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन जरूर दबा देना। तो दोस्तों अपन सबसे पहले बात करते हैं ध्रुव राठी के बारे में। सो गाइस ध्रुव राठी को किसी ने चैलेंज दे दिया है, ओपन चैलेंज। चैलेंज क्यों दिया है मैं आपको बताता हूँ गाइस। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ध्रुव राठी ने एक आर्टिकल शेयर किया हुआ है, उन्होंने एक ट्वीट किया था, उसी में एक आर्टिकल शेयर किया हुआ है जहाँ पे लिखा हुआ है मंगेश पंडेलकर जो कि शिवसेना कैंडिडेट है, उनके पास एक फोन था जिससे उन्होंने अनलॉक करी थी ईवीएम। ऑल्सो गाइस आप लोगों को बता दूं कि मंगेश पंडेलकर नॉर्थ वेस्ट में 48 वोटों से जीते थे। सो उसी आर्टिकल को शेयर करते हुए ट्वीट किया था ध्रुव राठी ने, उन्होंने लिखा दिस इज दी मुंबई नॉर्थ वेस्ट लोकसभा सीट, इंडिया अलायंस लॉट दिस सीट बाय जस्ट 48 वोट्स, दी एनडीए कैंडिडेट्स रिलेटिव हैड अ फोन व्हिच कुड अनलॉक ईवीएम। सो ध्रुव राठी ने अपने ट्वीट में यही बताया कि मंगेश पंडेलकर के पास एक फोन था जो कि ईवीएम अनलॉक करता था। सो उन्होंने बोला कि री इलेक्शन होना चाहिए मुंबई नॉर्थ वेस्ट में। सो जैसे ही ध्रुव राठी ने ये वाला ट्वीट किया तो काफी सारे लोग उनको हेट देने लगे, काफी सारे लोग उनको क्रिटिसाइज करने लगे, क्योंकि जो उन्होंने ये वाली न्यूज दी थी, जो ध्रुव राठी ने अपने ट्वीट के जरिए ये वाली आर्टिकल शेयर किया था, ये बिल्कुल सच नहीं है, फेक न्यूज है। सो इस आर्टिकल में लिखा हुआ है कि मंगेश पंडेलकर के पास एक फोन था जिसमें कि ओटीपी आता था जो कि हैक हो जाती थी और जो ईवीएम अनलॉक हो जाती थी, बट ऐसा नहीं है गाइस, इंजीनियर एक्सप्लेन कुछ बताए। सो ध्रुव राठी के इसी ट्वीट को उन्होंने रिप्लाई दिया हुआ है। इंजीनियर रिवील्स एक्सप्लेन करते हैं अपने ट्वीट पे, वो बोलते हैं कि ध्रुव राठी के ये वाला जो उन्होंने आर्टिकल शेयर किया है बिल्कुल मिसलीडिंग है। वो बोलते हैं कि जो ओटीपी जनरेट वाला प्रोसेस है वो स्पेशल लोगों के लिए होता है। वो बोलते हैं कि द सर्विस वोटर्स डाउनलोड द इनक्रिप्टेड ईटीपीवी फाइल and then OTP is generated to open the file to cast vote. So, वो ये बोलते हैं कि OTP तभी जरूरत होती है EVM में जब वो कुछ cast vote वगैरह कुछ डाउनलोड करना चाहे तभी। वो बोलते हैं कि ETPBS EVM से अलग है। ऑल्सो अंशुल सक्सेना भी इसी ट्वीट से रिलेटेड उन्होंने कुछ रिप्लाई दिया हुआ है। वो लिखते हैं कि ध्रुव दिस न्यूज इज मिसलीडिंग लाइक द मोस्ट ऑफ योर वीडियोस। वन कैन नॉट अनलॉक द ईवीएम विथ अ फोन। ईवीएम आर द स्टैंड अलोन मशीन, दे डू नॉट हैव एनी फ्रीक्वेंसी रिसीवर और डीकोड द वायरलेस कनेक्शन, एंड ETPBS इज डिफरेंट फ्रॉम ईवीएम। वो बोलते हैं कि मैं तुम्हें इनवाइट कर रहा हूँ कि इस टॉपिक पे डिबेट के लिए। जब काफी ज्यादा हेट मिलने लगा ध्रुव राठी को इससे रिलेटेड, तो वो एक ट्वीट करे, वो लिखे करेक्शन, इट्स नॉट अबाउट ईवीएम, अबाउट द ETPBS इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलॉट सिस्टम। हेडलाइन ऑफ दिस आर्टिकल इज मिसलीडिंग। रिगार्डलेस ये बहुत सीरियस इशू है इन्वॉल्विंग ऑथराइज्ड यूज ऑफ मोबाइल फोन, री इलेक्शन शुड बी डन ऑन दिस सीट। सो गाइस आप लोगों को क्या लगता है इसके बारे में, मेरे को नीचे कमेंट करके जरूर बताना। ध्रुव राठी की क्या आपने ये वाली वीडियो देखी है, क्या वो मिसलीडिंग कुछ वगैरह पोस्ट करते हैं, आप लोग मेरे को नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं अल्पेश यादव के बारे में। सो गाइस उन्होंने दोबारा से ट्रोल कर दिया ध्रुव राठी को, उन्होंने क्या कहा हुआ है मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ, आप देखिए। जर्मनी जा रहा है। सो नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करते हैं क्रिकेटर ऋषभ पंत के बारे में। सो गाइस उनका यूट्यूब चैनल है, आप लोगों को पता होगा, वो व्लॉगिंग वगैरह कुछ करते रहते हैं, मैच के बीच में ही व्लॉगिंग वो चालू कर देते हैं। मैंने अपनी कुछ वीडियोस में आप लोगों को बताया हुआ है। सो उनके चैनल पे हो गए 100K सब्सक्राइबर्स और उससे ज्यादा हो गए, काफी ग्रोथ हो रहा है। सो गाइस उनको सिल्वर प्ले बटन भेज दिया यूट्यूब ने, उनको सिल्वर प्ले बटन मिल गया है। सो वो फोटोज का शेयर करके कम्युनिटी पोस्ट में बताया, सो मैनी कांग्रेचुलेशन टू यू। ऑल्सो ऋषभ पंत ये बताया कि जितना भी वो अर्निंग करेंगे अपने यूट्यूब चैनल से वो डोनेट कर देंगे। ऑल्सो वो अपनी तरफ से भी कुछ ऐड करके अमाउंट डोनेट करेंगे। सो नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करते हैं वायरल वीडियो के बारे में। सो गाइस बहुत फनी वीडियो है थोड़ी सी, बट थोड़ी सीरियस भी है। होता है एक बंदा होता है जो कि एक डॉग को कलुआ बोल के छेड़ रहा होता है, उसके बाद डॉग को आ जाता है गुस्सा, फिर वो काट लेता है। अब मैं पूरी वीडियो आपको दिखाता हूँ, आप देखिए। तो गाइस ये हमारा फ्रेंड है, इसको कालू बोलते हैं, तो किलसता है। कालू 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 कालू। सो नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करते हैं लक्ष्य चौधरी के बारे में। सो गाइस उनकी एक जो अभी न्यू वीडियो आई है, उससे पहले उन्होंने इंस्टाग्राम पे लोगों को ये बता के रखा हुआ था कि अगर ये वाली मैं वीडियो शूट करके अपलोड कर दूंगा तो शायद मेरे को देश छोड़ना पड़ेगा। सो गाइस वो वाली वीडियो उन्होंने अपलोड कर दी उनके यूट्यूब चैनल पे बाय द टाइटल इंटरनेट धर्म रक्षक लक्ष्य चौधरी। मैं उस वीडियो का छोटा सा क्लिप आप लोगों को दिखाता हूँ, आप वो वीडियो का क्लिप देखिए। ऐसे ही बहुत सारे एनजीओ बाबा जी भी चलाते हैं, हाँ फंडिंग इनके गरीब भक्त करते हैं, बट क्रेडिट अकेले बाबा जी ले लेते हैं।
भक्तगण बाबा के एनजीओ में डोनेट करते रह गए कि इस गरीब से किसी और ज्यादा गरीब का भला हो जाएगा। गरीब को तो मिला नहीं पर बाबा जी जरूर वोल्वो में घूम रहे हैं। अब इस वोल्वो का अगर हम अगला वो और पिछला वो हटा दे तो बचेगा एल, जो बाबा जी के फॉलोअर्स को मिला है। आशाराम बापू, रामपाल, राम रहीम सिंह, हमारे पास इतने सारे एग्जाम्पल हैं कि जब आदमी अपना कल्ट फॉर्म कर लेता है और खुद को भगवान की तरह पुजवाना शुरू कर दे तो उसका रिजल्ट क्या होता है। पर हमारे 30 से 80 साल के बीच वाले बूमर्स को ये बात समझ नहीं आती। भगवान को मानना नहीं होता कि दूसरा मुझे क्या बता रहा है, जो उसने बोल दिया मैं मान लूं। भगवान को जानना होता है खुद से, यही प्रोसेस है हमारी लाइफ का, इतना सिंपल। सो नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करते हैं, बीएमडब्ल्यू कार के बारे में। तो एक चलती बीएमडब्ल्यू गाड़ी में आग लग जाती है बीजी रोड में। सो गाइस आप लोग देख सकते हो क्या हालत हो रखी है उस कार की। बाय द वे गाइस आप लोगों को बता दो कि इस इंसिडेंट में कोई किसी को कोई इंजरी नहीं हुई है, कोई भी इंजर्ड नहीं हुआ है। जो भी कार में लोग थे वो सब एक साथ निकल गए थे बाहर, जैसे ही आग लगी सब एक साथ बाहर निकल गए थे। सो नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करते हैं, मिर्जापुर सीजन 3 के बारे में। सो गाइस इसका टीजर ऑलरेडी आउट हो चुका है, क्या आप लोगों ने देख लिया है? अगर देख लिया हो तो मेरे को नीचे कमेंट करके जरूर बताना कैसा लगा। बाय द वे गाइस मैं आपको लोगों को बता दूं कि उसकी डेट रिवील हो चुकी है, मिर्जापुर सीजन 3 अनलॉक होने वाली है 5 जुलाई को। सो नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करते हैं मनोज डे के बारे में। सो गाइस उनके चैनल के साथ काफी कुछ बड़ा इशू हो गया है। सो मनोज डे ट्वीट करके बताए कि उन कुछ हैकर्स वगैरह हैं जो कि उनको परेशान कर रहे हैं, थ्रेट्स दे रहे हैं। वो बोलते हैं कि जो हैकर्स वगैरह है वो इनवैलिड ट्रैफिक भेज रहे हैं मेरे एडसेंस अकाउंट में, और साथ में ये भी बताते हैं कि वो डिसेबल करना चाहते हैं मेरा एडसेंस इनवैलिड ट्रैफिक भेज के, जिसकी वजह से मनोज डे पैसे नहीं कमा पाएंगे जरा भी यूट्यूब से। मनोज डे ये भी बताते हैं कि जो हैकर्स थे ऑलरेडी उनके 2 चैनल के साथ पिछले कुछ सालों में उनके साथ दिक्कत दे चुके हैं, इसी तरीके से उन्होंने उन चैनलों को डिसेबल करवाया था। अब वो बोलते हैं कि जो मेरा 3rd चैनल जो कि इतना बड़ा चैनल है उसके ऊपर भी हैकर्स वगैरह कुछ अपनी नजरें गड़ाए रखे हैं, वो उसको डिसेबल कराना चाहते हैं, जैसा कि पिछले 2 उनके एडसेंस अकाउंट के साथ किया वैसे ही 3rd के साथ करना चाहते हैं जो उनका मेन अकाउंट है। सो दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि एडसेंस बहुत बड़ी चीज होती है एक यूट्यूब के लिए, क्योंकि जो हमारा पेमेंट आता है यूट्यूबर्स का वो एडसेंस अकाउंट में आता है। अगर एडसेंस अकाउंट डिसेबल हो जाता है तो यूट्यूब से तुम जितना भी कमाओगे वो आपको नहीं मिलेगा। सो मनोज ने यही बताया कि वो इनवैलिड ट्रैफिक भेज रहे हैं, मतलब फेक ट्रैफिक भेज रहे हैं उनके एडसेंस अकाउंट में, जिससे कि यूट्यूब को लगे कि ये फेक है और ये गलत इनवैलिड ट्रैफिक आ रहा है तो उसको डिसेबल कर दिए। सो मनोज ने उन्हीं हैकर्स का मेल भी दिखाया जहाँ पे उन्होंने थ्रेट्स भेजे हुए हैं, और उधर लिखा हुआ है कि हैकर्स बोलते हैं कि हम रशियन हैकर्स हैं। वो बोलते हैं कि अगर आप हमें $10,000 दे देते हैं तो हम आपको छोड़ देंगे, और बोलते हैं अगर आप नहीं देते हो तो हम आपके मेन चैनल के साथ मतलब बहुत गलत करेंगे, आपके मेन चैनल को डिसेबल डिलीट करवा देंगे। इसी के बारे में उन्होंने अपनी स्टोरी में लिखा, इंस्टाग्राम पर लिखा, पता नहीं मेरे से क्या ही दुश्मनी है लोगों की, पूरे यूट्यूब जर्नी में मुझे जितना प्रॉब्लम यूट्यूब पे आया उतना शायद ही किसी और क्रिएटर को आया हो। सो गाइस ये बहुत ही बड़ी सीरियस न्यूज है मनोज डे के लिए और काफी लोगों के लिए। आई होप कि यूट्यूब इस चीज को समझे और जल्दी से फिक्स करे सारी प्रॉब्लम। तो नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करते हैं मुनव्वर फारूकी के बारे में और एल्विश यादव के बारे में। सो गाइस इनका एक और बड़ा इवेंट आने वाला है, जैसा कि आप लोगों को पता होगा इनका एक इवेंट हुआ था कुछ महीनों पहले जब वो साथ में क्रिकेट खेल रहे थे। इन दोनों की वीडियोस भी देखी होगी, तब उस टाइम बहुत बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी भी हो गई थी, एल्विश यादव वर्सेस मैक्सटन, एल्विश यादव वर्सेस रजत दलाल, एल्विश यादव वर्सेस रैंडम सेना। सो गाइस ऐसा ही कुछ अभी इवेंट होने वाला है मुनव्वर के बीच में और एल्विश यादव के बीच में। सो गाइस कुछ रिपोर्ट्स आई हैं जिसमें कि बताते हैं इनके बीच में क्रिकेट मैच होने वाला है जिसका नाम होगा एंटरटेनमेंट क्रिकेट लीग ECL, एक क्रिकेट टूर्नामेंट होगा और यहाँ पर एक टीम होगी एल्विश की, एक टीम होगी मुनव्वर फारूकी की। सो इनके बीच में मैच होगा काफी खतरनाक। आपको पता होगा कि लास्ट टाइम इनका भी इवेंट हुआ था, काफी बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी हो गई थी। सो गाइस ऐसा लगता है कि इस बार भी बहुत बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी होने वाली है इस मैच से रिलेटेड। सो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, मैं आपको सारी कॉन्ट्रोवर्सीज बताता रहूंगा इनके बीच में जो भी होता है, तो आप लोगों को सब पता चलता रहेगा यूट्यूब पे और पूरे इंटरनेट पे क्या हो रहा है। सो सब्सक्राइब जरूर कर लेना गाइस। बहुत से लोग बोल रहे हैं कि न्यू लफड़ा लोडिंग और वॉट, न्यू लफड़ा मतलब आने वाला है गाइस, बहुत बड़ा न्यू लफड़ा होने वाला है। सो नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करते हैं मैक्सटन के बारे में। सो क्या गाइस मैक्सटन ने बिग बॉस का ऑफर रिजेक्ट कर दिया? मैक्सटन रिजेक्टेड बिग बॉस, जिसपे की उन्होंने अपोल दिया हुआ है, सही किया या फ्री का फेम छोड़ दिया। सो काफी मेजोरिटी लोगों ने ये बोला है कि आपने फ्री का फ्रेम छोड़ दिया है, 64% से भी ज्यादा वोट आए हुए हैं, तो शायद से मैक्सटन ने बिग बॉस के ऑफर को रिजेक्ट कर दिया है। आपका क्या ओपिनियन है गाइस मेरे को नीचे कमेंट करके जरूर बताना। सो आज के लिए बस इतनी न्यूज थी गाइस, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन जरूर दबा देना एंड शेयर जरूर करना। थैंक यू सो मच, जय हिंद।